बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में एक शख्स को लोगों के घर घर जाकर भीख मांगते देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यह शख्स सिर्फ इसलिए भीख मांगने को मजबूर है ताकि वह अपने बेटे के शव को छुड़ा सके। दरअसल एक बाप से उसके जवान बेटे का शव लौटाने के बदले में पोस्टमार्टम कर्मी ने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। ऐसे में एक असमर्थ पिता अब दर दर भीख मांग कर पैसा जुटा रहा है। अब इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर शेयर कर रहे हैं। सर बड़ी देख रखी जहाँ मेरा भाई है, हम कह रहे ठीक है आपका मेरा भाई है, आप कह रहे हैं मेरा भाई है तो आप जाइए थाना से दरखास्त आप लिखिएगा, वहाँ से आपको चौकीदार द्वारा भेज देंगे, कपड़ा पन्नी आप लेके आइएगा, हम बांध छान के आपको गाड़ी में चढ़ा देंगे और कोई गाड़ी का कोई भाड़ा उड़ा नहीं लगता है, सरकारी गाड़ी है आपको पहुँचा देंगे। लेकिन 50,000 रुपए मांगने के बाद सर सर गलत रूप आरोप था सर, वो 2,000 रुपए देने की बात किया जी नहीं सर, गलत आरोप था। इससे पहले भी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप पैसे मांग रहे थे जी नहीं सर, वो भी दूसरा आदमी है जो ये गलत सलती धर्म धर करता है, दूसरे से मोबाइल से वीडियो करवा लेता है, गलत आरोप है सर। तो वीडियो भी गलत था, पहले वाला वीडियो गलत था सर, हम तीसरा आदमी से बात करते थे, हम मजाक में दूसरा आदमी से बात करते थे, उसमें वो पीछे से वो छोटा को खड़ा करा का वीडियोग्राफी करा लिया, हम दूसरा से बात करते थे सर। तो उसके जो जो थाने ही तो उसको भेजी थी, जो थाना है यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि थाना ही उसको भेजा था उसके परिवार को आपके यहाँ? ना वो थाना पर नहीं गए, खोजे तो अलग ना तब पतल के ये गार्ड साहब जहाँ हायर रखे हुए लाश हायर पोस्टमार्टम में, तो हम सर लाश के घर खोल के दिखा दे दिए, कह रहे हमारा भाई है, कहे कि जाइए थाना से कागज उगज बनवा उनवा कर लेके आई और कपड़ा पन्नी लाइए, हम लपेट कर और उसको आपको गाड़ी में धर देते हैं, आप अपना लाश ले जाइए। आपको बता देते हैं कि समस्तीपुर के महेश बाबू के बेटे संजीव ठाकुर की लाश मिलने की खबर उनको बताई गई, जिसके बाद उन्हें अपने बेटे का शव मांगा तो पोस्टमार्टम कर्मी ने शव लौटाने के बदले में 50,000 रुपए की मांग रख दी। जवान बेटे की मौत से टूट चुके पिता ने मेडिकल स्टाफ से इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थता भी जताई, लेकिन पोस्टमार्टम कर्मी का दिल नहीं फंसीजा। वायरल हो रहे वीडियो में बेटे का शव छुड़ाने के लिए लाचार माँ बाप को लोगों से भीख मांग कर पैसे जुटाते हुए देखा जा सकता है। वहीं इन वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे सुशासन बाबू को दोषी ठहरा रहा है तो कोई यूजर्स इसे बहुत शर्मिंदगी की बात कह रहे हैं। कई यूजर्स का यह भी कहना है कि पूरे बिहार के सरकारी अस्पताल की सच्चाई यही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वीडियो को देखने के बाद बिहार की जनता भड़की हुई है, कोई नीतीश सरकार को इसके लिए कोस रहा है, तो किसी का कहना है कि ऐसे तो बिहार में बाहर नहीं आएगा। हमने उस वीडियो के आलोक में हॉस्पिटल जाके मैंने इंक्वायरी भी किया और जो लोग पोस्टमार्टम में हेल्प करते हैं उनसे भी मैंने बात की, और इसलिए मुझे लगा कि इस जो भी वायरल वीडियो हो गया है इसका खंडन करना जरूरी है। ये एक मुसरी घराड़ी थाना के द्वारा 6 तारीख को बॉडी लाई गई थी, उस समय इसकी पहचान नहीं हुई थी, उनका पोस्टमार्टम किया गया सदर अस्पताल में, और फिर जब कोई परिजन नहीं होते हैं तो बॉडी को हम लोग प्रिजर्व करते हैं और उसका 3 दिन वेट करते हैं, फिर हम लोग लोगों को बताते हैं कि भाई एक बॉडी है कोई क्लेम करे, तो 7 तारीख को कुछ लोग आए और उन्होंने क्लेम किया, पहचाना कि ये मेरे परिजन हैं। वैसे क्योंकि पुलिस लेके हमको आई थी तो पुलिस से फिर आइडेंटिफिकेशन जरूरी था, कोई वहीं क्लेम कर दे उसको बॉडी देना ठीक नहीं था, तो जो आरोप था कि 50,000 रुपये मांगे ये मेरे इंक्वायरी के दौरान प्रमाणित नहीं हुआ। जब हमने बहुत इम्फेसिस दे के जब पूछा कि क्या बोला तुमने परिजन से, तो उसका कहना था कि आप चूँकि पुलिस लेके आई है आप मुझे 50,000 रुपये भी दीजिएगा तो मैं बॉडी देने की स्थिति में नहीं,
तो फिर सिविल सर्जन ने उसका संज्ञान लिया, उनकी बॉडी को थाने पे भेजा गया, ताजपुर थाने पे, और थाना फिर उनके परिजन को हैंड ओवर किया। तो ये मेरा क्लैरिफिकेशन है और जो वायरल वीडियो हो रहा है उस पर। तो हमें लगता है कि ये प्रशासन को थोड़ा कुछ बदनाम करने का, कुछ रॉन्ग इमेज डालने का ये प्रयास ऐसा लगता है। बाकी मेरे 3 साल से पदस्थापना है, इस तरह की घटना कभी मैंने सुनी नहीं। ये एक लहारिस लाश का मामला है कि मुसरीघराई थाना क्षेत्र में पाया गया। ये 6 तारीख का घटना है और 6 तारीख को मुसरीघराई पुलिस शव लेके आई थी यहाँ पे नियमानुसार पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो पोस्टमार्टम उसका कर दिया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो अनोन बॉडी रहती है उसके साथ नियम है कि 72 घंटा तक जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाती तब तक हम लोग उसको प्रिजर्व रखना है और उसके बाद उसकी बॉडी वीडियोग्राफी कराती है, फोटोग्राफी कराती है, हर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह रख करते हैं, तब हम लोग बॉडी डिस्पोज करते हैं। लेकिन इस केस में ये 6 तारीख को घटना 7 तारीख को ही मुसरीघराई थाना पुलिस ने इसके लिए पेपर में इश्तेहार दिया और जानकारी हर थाने में दी थी। इसके फलस्वरूप इसका शव के रहने वाला था ये ताजपुर में, तो ताजपुर पुलिस के माध्यम से उसके परिजन यहाँ पर आए सदर अस्पताल में आए डेड बॉडी को लेने के। अच्छा, तो ये 6 तारीख की घटना पोस्टमार्टम की है, 7 तारीख को हम लोग को जानकारी मिली है, 7 तारीख को आ गए। तो हमारा जो कर्मचारी है भलेख करके हैं तो पोस्टमार्टम यही करता है, तो डेड बॉडी इसी के चार्ज में था। तो नियम यही है कि अगर कोई अनोन बॉडी है तो जो रेस्पेक्टिव थाना है, जैसे इस केस में उसी जारी है, तो जो भी परिजन है जो क्लेम करते हैं कि ये मेरे परिजन है, इसका डेड बॉडी हम ले जाएंगे, तो उनको थाना में जाना पड़ता है और उसकी पहचान बतानी पड़ती है और उससे संबंधित कागजात भी दिखाने पड़ते हैं। और वो सब दिखाने के बाद जब थाना ये संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये जो शव है इन्हीं का है, इन्हीं का है, तब वो फिर अलाउ करने हैं कि हाँ ठीक है डेड बॉडी ले आ सकते हैं। सर, इस मामले में राशि मारने का जो मामला आ रहा है उसमें क्या कहना है? इस मामले में राशि मांगने का जो मामला है, इसमें जो कर्मचारी है उसको भी बुला के हमने पूछा तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब वो डेड बॉडी लेने आए थे तो हमने सिर्फ यही कहा था कि आप जाइए इसका कागज पत्र बनवा के लाइए, थाना से लाइए, उसी लाइन से तो हम डेड बॉडी आए।